जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। एक ट्वीट के माध्यम से माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बयान दिया एक ट्विटर के माध्यम से कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी राहत दी जाएगी टोल के माध्यम से। 15% लखनपुर में टोल जो है वो माफ कर दिया गया है, लेकिन भाजपा के कुछ लोग तो ये कहते थे कि सरो टोल प्लाजा को जो इलीगल वहां पर लगाया गया है हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अब वो लोग 15% की इतनी खुशी मना रहे हैं, इतना आभार प्रकट कर रहे हैं कि क्या बोल, इतनी खुशी मनाई जा रही है कि 15 रुपये आखिर इतनी बड़ी रकम माननीय सांसद जी ने माफ करवा दी है। काफी ज्यादा वाहवाही लूटने का काम इस समय किया जा रहा है। जो स्थानीय नेता है कठुआ के, खासतौर पर उनकी बात करूं तो शायद उनकी गाड़ी जो है 1 रुपये में 1 किलोमीटर चलती है, ताकि ऐसा लगता है कि 15 किलोमीटर का जो स्केच है उनका मात्र 15 रुपये में कवर हो जाता होगा, इसलिए वो लोग जो है इतनी खुशी इस समय बयां कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कल भी बिशु जी ने अपनी प्रतिक्रिया साफ की थी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी बात रखी थी। आज भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे बिशु जी किस तरह से देखते हैं जो वाहवाही लूट रहे हैं इस समय कुछ नेता, स्थानीय नेता जो करते हैं हमेशा से कि सांसद जी का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन इस समय जबकि इतना कुछ बड़ा है नहीं और उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं 15 रुपए के मात्र 15 से 20 रुपए जो कम किए गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं जो वाहवाही लूटने का काम इस समय भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता कर रहे हैं कठुआ में? ये जो वाहवाही लूटने का और अपनी पीठ थपथपाने का जो काम किया जा रहा है, ये मैं ये मानूंगा कि कुछ लोग जो है वो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। पहले देश को गुलाम था तो हमारे कांग्रेस ने संघर्ष करके उसको आजाद करवा लिया था। अब हमें लगता है एक संघर्ष इसके लिए भी किया जाएगा कि जो मानसिकता की गुलामी है, जो मानसिक गुलाम बन चुके हैं लोग, उनको किस प्रकार से आजाद करवाया जाए और बाकी लोगों को कैसे उससे बचाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने भी देखा ट्वीट, ट्वीट के माध्यम से एक 15% की जो छूट दी गई है, मैं आप किसी से भी पूछिए कहां तक वो छूट है जो उचित है। एक तो हम वो रोड प्रयोग ही नहीं कर पा रहे, हमारे लोग उस रोड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आप किस चीज के लिए हमसे टोल ले रहे हैं? अगर मेरे घर में बिजली नहीं आएगी, मैं उस बिजली को इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, तो मैं बिल किस चीज का दूंगा? कि इन लोगों को इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा और ये जो एक कोई मोह में पड़े हुए हैं, इस मोह को छोड़ के अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें अपने लोगों को किस प्रकार से जो है सुविधाएं दिलवानी है। लगेगा हिमाचल में भी हमने देखा कि हिमाचल में पिछले दिनों जो आपदा आई उसके चलते डीसी हिमाचल ने भी एक अपनी ओर से कहा कि जहां पर अगले 6 महीने तक मनाली शिमला हाईवे पर हम टोल नहीं लेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं जो कहते हैं कि पूरी हमारी ऊपर तक चलती है, क्या उनकी इतनी सी भी नहीं चल रही सांसद की जो कम से कम 50% यहाँ पर टोल माफ करवा पाते? मैं कह रहा हूं कि हम कहना चाहते हैं कि ये बात हिमाचल की नहीं, आप कहीं भी यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है देश में, आप वहां से सीखिए। बात राजनीति अलग चीज है, लेकिन अगर कहीं से भी कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है तो उसको सीखिए। किस प्रकार अगर हिमाचल में ऐसा हुआ तो वहां के जो नेता है, स्थानीय नेता, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हमारे लोगों को छोटी सी छूट दे दो तो हम बड़ी वाह भाई, उन्होंने कहा पूरा टोल माफ किया जाए हमारे लोगों का, और जाकर नितिन गडकरी जी से बात की और उन्होंने पूरा टोल जो है 6 महीने के लिए वहां पे माफ करवाया। आप राजस्थान में चले जाइए, वहां पे लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। आप जाइए ना, सीखिए ना कौन सी पॉलिसीज है जो वहां पे कांग्रेस है, वहां पे हर चीज की जो सुविधा वो लोगों को मिल रही है। लेकिन एक बार आपने झूठ का जो जाल बुना था, उस जाल में हमारे लोग आ गए, आपने बहुत सारे झूठे और लुभावने वादे दिखाए, तो एक दो बार वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब वो कामयाब होने वाले नहीं। तरना नाले की वजह से ही कहीं ना कहीं टोल जो है जो भी 15% 20% जितना भी माफ किया गया है तरना की वजह से किया गया है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर एजिटेट किया, पुतला बकायदा जलाया गया और जितना हो पाता था लगातार पार्टी, तमाम पार्टी एजिटेट कर रही है। लेकिन भाजपा के कुछ लोग जो स्थानीय लोग हीरानगर से हैं, तो दयालचक हैं, उनकी ओर से भी वहां पर एजिटेट किया गया, भाजपा के वो कुछ लोग थे, लेकिन बाद में शायद उन्हें ऊपर से कुछ ऐसा प्रेशर डाला गया कि आप लोग वहां पर क्यों गए, आपने वहां पर क्यों माइनिंग की बात की, आपने क्यों नेशनल हाईवे को वहां पर कसूरवार ठहराया। जब हम उनसे अब बातचीत करते हैं कि जनाब हमने आपसे इस मुद्दे पर बात करनी है, इस पर आपका वर्जन चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं हम इस पर अब कुछ नहीं बोलेंगे, ऊपर से हमें हिदायतें हैं कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे अब फिलहाल। मैं तो उन स्थानीय नेताओं को सबसे पहले तो यही सलाह देना चाहता हूँ
कि जो लीडर होता है वो हमेशा अपनी जनता की भलाई के लिए होता है। कि अगर आपने ये प्रोफेशन चुना हुआ है कि मैंने राजनीति में आना और मैंने नेता बनना है, तो सबसे पहले यही शपथ लेनी पड़ती है कि मैं जो भी काम करूंगा वो जनता की भलाई के लिए करूंगा। लेकिन आज अगर वहां पे लोग हमारे परेशान हो रहे हैं तो आप क्यों किसी से डर रहे हो? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने एक लोकतांत्रिक देश में जन्म लिया है, एक आजाद भारत में जन्म लिया हुआ है। आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, आप किसी के गुलाम नहीं है। आपने अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने लोगों के लिए आगे आओ, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। मैं आपके ये बीजेपी के सारे कामों को ये नहीं करता कि बीजेपी के सारे काम गलत है। मैं कहता हूं कि जो काम अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन यहां पे गलत है, हमारे लोगों को यहां तंग किया जा रहा है, तो उसकी निंदा करना हमारा सबसे पहला काम बनता है कि हम उसकी निंदा करें और उस काम को ठीक करवाए ताकि हमारे लोगों को जो है परेशानी ना हो। और अपने सांसद जी के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद जी के वो हमारे लोगों ने दिल खोल के वोट दिए थे, दिल खोल के बड़ा दिल करके वोट दिए थे, कभी 3 लाख कभी 7 लाख, लेकिन जब बारी आई हमारे लोगों को देने की, इतना सा दिल मैं कह रहा हूं कि चींटी से भी छोटा दिल जो है ना वो हमारे सांसद जी ने दिखाया है। चींटी भी शायद इससे बड़ा दिल दिखा देती, अगर चींटी को मौका मिलता ना कभी अपनी जनता की सेवा करने का या अपने लोगों की, तो वो चींटी भी अपना दिल थोड़ा बड़ा करके दिखाती। लेकिन हमारे सांसद जी का दिल चींटी से भी छोटा था, जिन्होंने ये 15 रुपए की जो 15% की छूट की है ना, ये हमारे लोगों के साथ एक मजाक किया गया है। और मैं नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि इस मजाक को, हमारे लोगों का मजाक ना उड़ाओ इस ट्वीट का, हमारे लोगों में बखान करके कि बहुत बड़ा बढ़िया काम किया है, ये हमारे लोगों के साथ मजाक हुआ है, इसकी निंदा करो, ये मत कहो कि ये अच्छा काम हुआ है, इससे हमारे लोगों का जो है मजाक बन रहा है। पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि पहले तो स्थानीय जो भाजपा के नेता है वो एजिटेट नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे का रिजल्ट निकलता है तो वो हाईकमांड का अपना शुक्रिया अदा करते हैं, अपने जो हाईकमांड के नेता हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारी वजह से ये सब हुआ है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि पहले वाइन को लेकर ऐसा था मुद्दा, जब कालीगढ़ में बार शिफ्ट हुई आपके कांग्रेस के नेता भी वहां पर बैठे थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जो जनाब जो किया हमने किया, हमारे सांसद ने किया है। लेकिन जब सांसद कठुआ में पहुंचे थे वो वहां पर नहीं गए थे, लेकिन जब वहां पर वाइन शिफ्ट की गई तो पूरा का पूरा उन्होंने जो श्रेय था वो उनको दे दिया कि जनाब ये हमारी वजह से हुआ है, जो हमारे सांसद की वजह से हुआ। पहला तो मैं यही कह रहा हूं कि मानसिक कि जो गुलामी है ना इसे बाहर निकालना पड़ेगा। आम जनता जो है वो निकल चुकी है, आम जनता को भी फंसाया गया था इस बड़े बड़े जुमले और बड़े बड़े जो लुभावने वादों में। अब जनता जान चुकी है, जनता पहचान रही है, बड़ा ये हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान वो बातें करते हैं, लेकिन जनता अब कहती है हमें रोजगार की बातें करो, हमारे साथ महंगाई की बातें करो, ये बातें करो। तो दूसरी ओर आप बात कर रहे हो कि ये जो श्रेय दिया जाता है कि सांसद जी ने आए थे तो हमारे यहाँ पे जो वाइन छापे हैं जो खुली थी तो उसको हमने शिफ्ट करवाया या वो करवाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्रेय किस बात का दें आपको? पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस जम्मू कश्मीर की पहचान जो है वो मंदिरों के शहर से की जाती थी, और आपके सांसद जी को ये समझ होनी चाहिए कि आप मंदिरों के शहर से गए हो, लेकिन जब आप वहां से यहाँ दौरा करने आते हो तो वो मंदिरों का शहर बन चुका होता है, वहां पे वाइन शॉप खुल गई होती है और आप लोग उन वाइन शॉप को बंद करवाने की बजाय शिफ्ट करवाते हो। हमारी तो ये डिमांड थी कि इनको बंद किया जाए, जितनी कम करोगे, अगर गुजरात में शराब बैन हो सकती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बंद हो सकती? कि अगर गुजरात में आपके प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, जहां तो आप अपने प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ चलिए कि जो प्रधानमंत्री जी गुजरात में कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गुजरात मॉडल अच्छा है, तो जहां इस विजन के साथ चलिए कि जहां पे जो खुलवा रहे हैं हमारे सांसद वो अच्छी बात है, दोनों में से एक होगा ना। ये नहीं ना कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जो हमारे सांसद करे वो भी हमारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हो। आपको सही को सही और गलत को गलत कहना होगा, और हमारे लोगों के साथ मैं ये विनती करता हूं कि ऐसे मजाक मत करिए, हमारे युवाओं का जो फ्यूचर है उसको अंधकार की ओर मत धकेलो, क्योंकि शराब की दुकानें खोलने से या शराब पीने से किसी का ना भला हुआ ना होगा। और ये जो आप बढ़ोतरी इतनी स्पीड से कर रहे हो ना, इससे आने वाले समय में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, विश्व जी मैं आपसे लास्ट सवाल यही पूछूंगा कि लगातार जम्मू में भी काफी ज्यादा एजिटेट किया जा रहा है लोगों द्वारा कि काफी ज्यादा लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं जो प्रीपेड मीटर्स इनके द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं। आने वाले समय में यही हालात बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखा जाएगा, कठुआ में भी आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इसकी बढ़ोतरी होगी, तो किस तरह से देखते हैं कि कितनी लोगों की कमर टूटेगी? लोगों का पहले इतना काम नहीं है, जब लोगों के 3500 4000 5000 बिल लाएंगे तो कितना असर जो है कठुआ में भी खासतौर पर लोगों को पड़ेगा? मैंने कहा कि आपकी बात का यही जवाब दूंगा कि हमने पहले एक मूवी आई थी बड़ी देर पहले कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वो जो मूवी थी ना मेरे को लगता है वो
बड़ा आगे सोच के बनाई गई थी कि आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि आमदनी इंसान की अठन्नी हो जाएगी लेकिन खर्चा जो है वो रुपया। मैं तो कह रहा हूँ कि आमदनी अठन्नी नहीं, खर्चा तो अब 10 रुपये हो गया, कि आमदनी अठन्नी है, खर्चा 10 रुपये हो गया है, कि बच्चों की फीसें इतनी भारी भरकम, हमारे बच्चों की किताबों पे जो है GST लगा दिया गया है, राशन पे अंग्रेजों ने भी GST नहीं लगाया था लेकिन इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने राशन पे भी GST लगा दिया कि राशन भी कैसे खाए। बताओ जब आप इतने प्रकार के टैक्सेस, इतने प्रकार के बिल हमारे लोगों पे, प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ ये महंगाई की मार, टमाटर के रेट देखो, इतना सब कुछ कर दोगे तो हमारे लोगों की आमदन भी तो बताओ ना कहां से है, आमदन अठन्नी, खर्चा रुपया, जनता करे तो करे क्या। कांग्रेस के समय में जनता बचत करती थी कि अपना पैसा जो है बैंक में बचा के रखेंगे, इस समय जनता सिर्फ ये बचत कर रही है कि हमारी जान बच जाए, कि किसी प्रकार हमारा पेट भर जाए, हम अपनी जान भी बचा लें तो वो भी बहुत है, कि जितनी कमाई है उससे कई गुना ज्यादा तो खर्चा हो चुका है। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी फीसें भी अभी तक स्कूल में देने वाली पेंडिंग हुई होंगी। और दूसरी ओर ये बातें करते हैं कि बड़ी बड़ी इंप्लाइयों की तनख्वाहें देखो जी, पहले 20,000 होती थी, आज 1 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है। मैं कह रहा हूं मेरे को बताओ इंप्लॉयमेंट, आप रेशियो निकालो कि कितने लोगों के जो घरों से इंप्लॉय है, हर घर से कोई इंप्लॉय नहीं है। अगर आपने ये रूल फॉलो करना है तो आप हर घर में एक नौकरी दो, फिर आपको हम स्मार्ट मीटर के बिल देंगे, फिर हम आपकी महंगाई को सहेंगे कि ठीक है कि हमें हर घर में रोजगार है। लेकिन रोजगार आपके जिन घरों में है उनका तो ठीक है, लेकिन जो हमारी माता बेचारी किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाती है तो उससे पूछो उसका दर्द क्या है, कि उसको एक घर से 700 रुपया महीने का मिलता होगा, मजदूर की तो 500-700 दिहाड़ी का होगा, लेकिन उस माता को 700 या 1000 रुपया घर में पोछा लगाने का मिलता होगा, तो मेरे को बताओ वो महीने के बाद कैसे अपना घर का जो खर्चा है वो चलाएगी। उसकी आमदनी, वही फिल्म का जो डायलॉग है वो उस पे बैठेगा कि आमदनी अठन्नी, खर्चा 1 रुपया, सरकार जाग जाए, लोगों की आमदन बढ़ाए ताकि लोग जो है अपनी सेविंग कर सके, ये नहीं कि लोग सिर्फ अपनी जान को बचाने के जो अभी लाले पड़ गए हैं उस तक सीमित हो जाएं। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान विष्णु दूत्रा जी थे। जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि लगातार टोल प्लाजा पर जो टोल कम किया गया है, जिसमें निशुल्क लोगों को दिया गया है, 15% आप लोगों को कम देना पड़ेगा टोल टैक्स पर, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भी वाहवाही लूटने का काम लगातार स्थानीय नेता कर रहे हैं। इतना टोल लोगों का कम नहीं हुआ है जितना इस समय वाहवाही लूटने का काम जो है वो किया जा रहा है। सांसद द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से एक ट्वीट किया गया था कि NHAI के जितने भी अधिकारी हैं उनसे एक आग्रह रह करके या था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर टोल जो है माफ किया जाए, लेकिन हमें भी ये लगा था कि कम से कम 30-40 या 50% जो है इस टोल में निशुल्क दिया जाएगा लोगों को, ताकि लोगों की यहाँ पर थोड़ी उन्हें राहत दी जाएगी। हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि टोल जो है जम्मू तक जो सरोड टोल प्लाजा है, चाहे वो लखनपुर टोल प्लाजा है, इसे तो उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि रोड तो यहाँ पर है नहीं, लोगों को काफी ज्यादा एक लंबा स्केच से होकर जो है वो गुजरना पड़ रहा है। लेकिन चलो, अगर यहाँ पर लोगों का टोल कम करना था तो लगभग कम से कम 50% अगर किया जाता तो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर राहत भी पहुंचती। और लगातार स्मार्ट मीटर्स को लेकर भी विशु जी ने अपना रुख भी साफ किया है, जम्मू में तो तमाम लोग इसको लेकर एजिटेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये कठुआ में जो प्रीपेड मीटर से अगर इंस्टॉल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की कमर जो है जरूर टूटेगी, क्योंकि लोगों की कमाई इतनी कठुआ में है नहीं है, जिस तरह से विशु जी ने कहा है एक डायलॉग के माध्यम से कि खर्चा आमदनी अठन्नी है और खर्चा लोगों का रुपया है, तो उसी हिसाब से कि लोगों के खर्चे ज्यादा है, लोगों की आमदनी कम है, तो इसीलिए इस समय सरकार को भी ये चाहिए कि जो मीटर्स हैं, जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं उसे जो है बदला जाए, और जिस तरह से चल रहा है लोगों को कम से कम रियायत जो है वो दी जाए, ताकि लोगों को जो है थोड़े सी सहन सो आए लोगों की। पहले ही लोगों पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है, लोगों को पहले भी काफी ज्यादा बोझ है लोगों पर, लेकिन अब जो स्मार्ट मीटर से एक नया तोहफा जो मिलने जा रहा है लोगों को लगातार, उसको लेकर भी लगातार लोग जो है इसको लेकर एजिटेट कर रहे हैं। नमस्कार।